इस पंप से आप एक गुब्बारे को हवा से फुला सकते हैं। इसके लिए फिल्म ग्रील की एक डब्बी लें और उसके पेंदे में छेद करके सक्शन वाल्व बनाएं। इसी तरह से एक दूसरी डिब्बी के ढक्कन में छेद करें और इस डिब्बी में एक और छेद करें डिलीवरी पाइप की स्ट्रॉ को फिट करने के लिए। उसके बाद में 4 सेंटीमीटर लंबा टेप लें और जो उसकी चिपचिपी साइड है उसका 1 सेंटीमीटर टेप पर ही चिपका दें। फिर जो गोंद वाली हिस्से को आप डिब्बी पे इस पर तरह चिपकाएं कि दोहरा हिस्सा छेद के ऊपर आए। अब इस तरह से ये पट्टी खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, एक वैल्व बन जाएगा। इसी प्रकार एक और पट्टी को आप ढक्कन के अंदर चिपका करके डिलीवरी वैल्व बनाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से डिलीवरी वैल्व खुलता है, बंद होता है। अब ये एक तरह का ये नॉन रिटर्न वन वे ट्रैफिक हो जाता है, दोनों वैल्व बन जाते हैं। फिर ढक्कन को डिब्बी में फिट करें और इस काली डिब्बी को 7-8 इंच लंबे साइकिल के ट्यूब के अंदर घुसाएं। ट्यूब जितना ही टाइट बैठेगा उतना ही आपका पंप अच्छा बनेगा। उसके बाद में सफ़ेद डिब्बी के सक्शन वाल्व को भी ट्यूब के अंदर घुसा दें। अंत में जो सफ़ेद नली है उसको गुब्बारे में डालें और एक रबर बैंड से कस के बांधें। इस नली को आप काली डिब्बी के अंदर टाइट फिट कर दें। अब आपका पंप बिल्कुल तैयार है। दोनों हाथों से रबर ट्यूब को दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें और इससे आपका गुब्बारा बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाएगा। आप चाहें तो एक हाथ से भी गुब्बारे को फुला सकते हैं। अगर आप इस पंप को एक मग पानी के अंदर रख करके ऊपर नीचे करके दबाएंगे तो उसमें से एक लंबी धार निकलेगी जो 15 फुट आगे तक जाएगी।